दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेपर एट पर और एट में हमारा टॉपिक चल रहा है ऑटिज्म। ठीक है, तो ऑटिज्म में आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, यानी कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन या स्वर्णता वाले बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन। हम कैसे अगर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के साथ अगर हम कोई काम कर रहे हैं या उनको टीचिंग करा रहे हैं या कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए हम कक्षा का व्यवस्थापन किस तरीके से करेंगे, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए अगर हम उनके साथ उनको IEP का कार्यक्रम करा रहे हैं या प्रशिक्षण दे रहे हैं या किसी भी प्रकार का शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उनके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, या फिर हम कहें कि जिस कक्षा में बैठकर बच्चे सीख रहे हैं उन बच्चों का क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, यानी कि कक्षा कक्ष का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना चाहिए या किस प्रकार व्यवस्थित होना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही है कि स्वर्णता वाले बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों पहले दिया हुआ है कक्षा का वातावरण बच्चों के अनुसार सुरक्षित होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए दोस्तों, बच्चों के अनुसार, यानी कि जैसे हम सभी जानते हैं स्वयंलीनता वाला व्यक्ति जो है या बच्चा जो है स्वयं में लीन रहता है, और क्या है दूसरा क्या है उसमें संप्रेक्षण कौशल क्या सीमित रहता है या किसी किसी में नहीं होता है। तो दोस्तों बे बच्चे उनके अंदर संवेदीय एकीकरण जैसी समस्या पाई जाती है, किसी में हाइपो होता है किसी में हाइपर होता है, यानी कि किसी में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है और किसी में कम होती है, किसी की संवेदना कम कार्य करती है और किसी की एक साथ कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को ध्यान में रखकर वातावरण कक्षा का ऐसा हो जैसे कि इस तरीके का वातावरण हो जिसमें प्रत्येक बच्चा बैठकर या कार्य करते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, खुला हुआ होना चाहिए, इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि बच्चों को क्या है एक तो वो एग्रेसिव ना हो, बहुत ज्यादा उसको घुटन महसूस ना हो, इस प्रकार का क्लासरूम होना चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए उस क्लासरूम में, और पूर्ण तरीके से लाइट ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी भी प्रकार से बहुत ही ज्यादा कलरफुल लाइटिंग नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा बच्चे एग्रेसिव होंगे और हो सकता है हाइपर एक्टिविटी जैसे वे कार्य करें, हाइपर हो जाए या हाइपो हो जाए। तो बच्चों के अनुसार सुरक्षित वातावरण होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्यात्मक व्यवहार घटित ना हो। ठीक, दूसरा कह रहे हैं दोस्तों कक्षा का फर्नीचर बच्चों की आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि कक्षा का फर्नीचर जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं जो हमारे स्वर्णता वाले बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा एनर्जीबल होते हैं, यानी इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी पाई जाती है, इतना कि अगर ये चाहे तो कितना भी वजन ही उठाकर अगर ये के मन में आ जाए तो कोई भी भारी चीज उठाकर फेंक सकते हैं, यानी कि इस तरीके से कक्षा के फर्नीचर की संरचना होना चाहिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वह फर्नीचर बच्चों के लिए चोट ना पहुंचाए और बच्चे उस फर्नीचर को क्या करे तोड़ फोड़ ना कर सके। एक तो फर्श में क्या स्टेबल होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए ताकि बच्चे उसको उठा ना सके, और इस प्रकार मजबूत होना चाहिए ताकि अगर कोई बच्चा बैठ रहा है तो उससे उस पर कोई दिक्कत ना हो या चोट ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्नीचर बच्चे के अनुसार होना चाहिए, उसके एज के और उसके वेट के अनुसार होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए जिसमें क्या है बच्चे उसमें ही लीन रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कक्षा कार्य समय सारणी के अनुसार होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं ये बच्चे अपने किसी कार्य में सीमित रहते हैं, तो सीमित समय के सीमित कार्य, सीमित रुचि और सीमित समय या दिनचर्या के अंदर ये कार्य करते हैं, उनको एक चीज सेट होती है मुझे इस टाइम खाना खाना है, मुझे इस टाइम उठना है, मुझे इस टाइम खेलना है, मुझे इस टाइम पढ़ाई करनी है। दोस्तों इन बच्चों का जो समय होता है सीमित होता है, तो एक समय में एक ही चीज करनी है, तो क्या है इन बच्चों के साथ क्या है कक्षा का कार्य समय सारणी के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जिस समय पर जो कार्य कराया जाता है वही कार्य कराया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो टाइम उनका खाने का हो रहा है उस टाइम हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, या जो टाइम उनका खेलने का हो रहा है वह टाइम उस टाइम हम कोई दूसरी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो इससे क्या होगा बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और समस्यात्मक जैसे व्यवहार घटित करना शुरू कर देंगे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, अतिक्रियाशीलता जैसे लक्षण में दिखाई देंगे। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों कक्षा कि सहायक शिक्षण सामग्री बच्चों के क्षमता एवं संवेदी एकीकरण के अनुसार होना चाहिए, यानी कि कक्षा कक्ष की सामग्री कह रहे हैं कैसी होनी चाहिए दोस्तों,
बच्चों की क्षमता एवं संवेदी एकीकरण के अनुसार होनी चाहिए। जैसे कि हम कक्षा में टीचिंग करते हैं तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं ना, शिक्षा अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं, सहायक सामग्री लिखा हुआ है। अगर हम TLM करते हैं, इसमें TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री का जिसका उपयोग करते हैं हम, ठीक है। तो उन वे चीजें एक तो मजबूत होनी चाहिए बच्चों के क्षमता अनुसार, और दूसरा क्या, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इतनी स्पर्शप्रवण नहीं होने चाहिए कि बच्चों को उनका टच बहुत अच्छा लगे, या बहुत ज्यादा नुकीली नहीं होनी चाहिए जिससे क्या बच्चों को चोट पहुंचे। तो क्या बच्चे की संवेदी एकीकरण के अनुसार होनी चाहिए, ना तो उससे उनकी संवेदनाएं उत्तेजित हो और ना ही उनकी संवेदनाएं निम्न स्तर तक पहुंचे। इस तरीके से वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल या सहायक शिक्षण उपकरण होना चाहिए, सामग्री होनी चाहिए। फिर क्या है, कक्षा के क्रियाकलाप में प्रतिदिन बदलाव करते रहना चाहिए, यानी कि अपने कक्षा का मैनेजमेंट सही रखने के लिए, कक्षा की दिनचर्या सही रखने के लिए हमें प्रतिदिन अपने कक्षा के क्रियाकलाप बदलते रहना चाहिए, ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ सीखे, कुछ नया सीखे। अगर डेली हम वही क्रिया कराते रहेंगे तो बच्चे उसमें क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, इंटरेस्ट के साथ कार्य नहीं करेंगे, हो सकता है आपकी किसी एक्टिविटी को अटेंड करना पसंद ना करें। इसलिए हमें कक्षा के क्रियाकलाप में प्रतिदिन बदलाव करना या होना चाहिए। कक्षा में संप्रेक्षण सरल एवं छोटे छोटे चरणों में करना चाहिए, यानी कि कक्षा में अगर कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, किसी भी प्रकार का शिक्षक जो शिक्षिका है या शिक्षक है बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर रही है अपने छात्रों के साथ, तो क्या एक तो वह बहुत ज्यादा सरल वाक्यों का प्रयोग करें, दूसरा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, और छोटे छोटे चरणों में उसको किसी भी वाक्य बोलने के लिए बोले, या अपने द्वारा निर्देश दिए हुए छोटे छोटे सरल और छोटे छोटे चरणों में देना चाहिए। कक्षा में बच्चों के लिए संवेदी एकीकरण चिकित्सा की व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि कक्षा में क्या है दोस्तों, संवेदी सेंसरी इंटीग्रेशन की उनको व्यवस्था होनी चाहिए, उनको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी मिले। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर संवेदना के लिए, सेंसरी के लिए, बच्चों की सेंसरी इंटीग्रेशन करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, तो जैसे मैग्नेट थेरेपी हो गई, सेंट प्ले हो गया, ठीक है, वाटर थेरेपी हो गई, इस प्रकार की थेरेपी का प्रबंधन भी बच्चों के लिए होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, कक्षा का क्रियाकलाप बच्चों के व्यवहार एवं क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए, यानी कि कक्षा में कोई भी एक्टिविटी अगर चल रही है तो वह बच्चों के व्यवहार एवं क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए, यानी कक्षा का क्रियाकलाप बच्चों के व्यवहार एवं क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए। ऐसा ना हो हम कोई ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं जिसमें बच्चों की संवेदी एकीकरण हो रहा है या उत्तेजनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें क्या हो, बच्चों की संवेदनाएं संतुष्टि नहीं हो रही है या निम्न स्तर पर जा रही है, तो क्या बच्चों का व्यवहार को ध्यान में रखकर, यानी कि कोई ऐसी अट्रैक्टिव एक्टिविटी ना हो जिससे क्या बच्चे व्यवहारात्मक कोई समस्यात्मक व्यवहार करें, और क्षमता उनकी क्षमता के अनुसार ना तो बहुत ज्यादा लो लेवल की होनी चाहिए ना ही बहुत ज्यादा हाई लेवल की होनी चाहिए, उनके क्षमता के अनुसार या स्तर के अनुसार होनी चाहिए। म्यूजिक डांस गेम से संबंधित क्रियाएं एक्सरसाइज पर आधारित होना चाहिए, यानी कि आपकी जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज है दोस्तों, ठीक है, शैक्षणिक क्रियाएं जो है म्यूजिक डांस गेम, यानी कि जब हम बच्चों को म्यूजिक डांस कराते हैं तो इसमें हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक्सरसाइज, यानी कि बच्चे की एक्सरसाइज होती रहे, वे स्वस्थ रहे, एक्टिव रहे, सक्रिय रहे कक्षा में। तो म्यूजिक डांस गेम जैसे संबंधित क्रियाएं एक्सरसाइज पर आधारित होनी चाहिए। फिर कहने कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ उनसे परिचित व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ जो व्यक्ति कार्य कर रहा है या बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा है, बच्चों को सिखा रहा है या खेल रहा है, तो उनके साथ कौन व्यक्ति होना चाहिए, उनका परिचित व्यक्ति। अब यहाँ पर कक्षा को लेके हम घर भी बोल सकते हैं, स्कूल भी बोल सकते हैं, चाहे तो वो टीचर हो या कोई अभिभावक हो, ठीक है, शिक्षक हो या उनका कोई अभिभावक हो, या पेरेंट्स में कोई भाई बहन माता पिता, और कक्षा में परिचित व्यक्ति, चाहे उसकी टीचर हो, हेल्पर हो, क्या हो, उससे परिचित व्यक्ति हो चाहिए जो बच्चे को अच्छे से जानता हो और बच्चे उनसे अच्छे से परिचित हो। कक्षा में बच्चों के लिए संप्रेक्षण बोर्ड होना चाहिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं तो संप्रेक्षण ज्यादा इनका क्या होता है, सीमित होता है, या संप्रेक्षण करने में इनको कठिनाई महसूस होती है, तो दोस्तों इन बच्चों के लिए क्या है, कक्षा में बच्चों के लिए संप्रेक्षण बोर्ड, यानी कि जैसे कम्युनिकेशन बोर्ड बोलते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे कम्युनिकेशन या संप्रेक्षण कर सके, अपने बातों का आदान प्रदान कर सके, अपनी भावना को व्यक्त कर सके, अपनी आवश्यकता को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके, उसके लिए कक्षा में संप्रेक्षण बोर्ड की व्यवस्था होनी
चाहिए। फिर कह रहे हैं बच्चों की क्षमताओं के अनुसार सहायक उपकरण एवं अनुकूलित सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि बच्चों की क्षमता अनुसार अगर किसी भी प्रकार बच्चों का कोई नीड है जिसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है बच्चे की ग्रिप नहीं है या उसमें इतनी ग्रास्प नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो उन सभी के लिए क्या है सहायक उपकरण और अनुकूलित सामग्री हो ताकि किसी कार्य को करने में बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए कक्षा में क्या है बच्चों की क्षमता के अनुसार सहायक उपकरण एवं अनुकूलित सामग्री व्यवस्थित होनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से क्या है अगर हम बच्चों के साथ ये सारी चीजें अपनाते हैं तो क्या है बहुत अच्छे से एक क्लास का मैनेजमेंट हो सकता है और बहुत अच्छे से हम बच्चे के साथ किसी भी शिक्षण क्रिया या कार्य को कर सकते हैं और आसानी से बच्चों के व्यवहार को हम क्या कर सकते हैं प्रबंधन कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों हमारी कक्षा प्रबंधन की कुछ बिंदु या निम्नलिखित बिंदु बोलेंगे या कुछ तकनीकें जो है इस प्रकार से हम अपने कक्षा व्यवस्थापन बना सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें दोस्तों। और जो दोस्त बोल रहे हैं कि सीपी कराइए, दोस्तों जैसे ही ऑटिज्म खत्म होगा उसके बाद हम सीपी स्टार्ट कराने वाले हैं, सेरेब्रल पॉलिसी करेंगे पेपर 8 में। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।